अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हो गई हूँ। मेरी ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है जो रिसेंटली एफएससी कर चुके हैं या इससे पहले एफएससी कर चुके हैं और अब तक किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्होंने नहीं लिया है और किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो मेरी ये वीडियोस उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या कहूँ यार कि ये आपका कैरियर है, ये वीडियो आपका कैरियर है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बीच में आप लोगों को पता चलूँ कि हज़रत अली इस्लाम का कॉल भी है ना कि दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो मैं आज आपके सामने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोमो लेके नहीं आया हूँ, मैं जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी के मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ और मैंने क्यों यहाँ पे एडमिशन लिया, क्या क्या रीजंस थी। तो उसकी तरफ जाने से पहले, जिस तरह के दूसरे स्टूडेंट्स को होती हैं, पांच चीज़ें स्टूडेंट हमेशा देखते हैं, मेरी बात याद रखें, पाँच चीज़ें। फर्स्ट वन, वहाँ का जहाँ पे भी एडमिशन वो लेगा वहाँ का माहौल कैसा है, क्या वहाँ पे तंजीम साजी है, क्या वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट और पेरेंट्स ये चीज़ें कंफर्म देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तो ये रीज़न था एडमिशन लेने का, यूनिवर्सिटी का ताल पेंट पर कराऊँगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा देख लीजिए। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी तंजीम साजी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ का क्लाइमेट, मैं इंस्पायर हो गई हूँ इस यूनिवर्सिटी में किस चीज़ से भी, यहाँ का क्लाइमेट एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा था। तीसरी चीज़ यहाँ पे मैंने जो देखी वो यहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और मैंने भी यही चीज़ यहाँ की नोट की है। चौथी चीज़ जो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ कि लोकेशन अभी आपके सामने यूनिवर्सिटी की पिक्चर शो करने जा रहा हूँ, तो ये आप देख लें कितनी अमेजिंग किस्म की लोकेशन पे मौजूद है यार, बंदा दिल करता है छुट्टी में भी घर ना जाए, ठीक है। तो मेरा तो बड़ा दिल लगता है यहाँ पे, ठीक है। इसके हट की जो पाँचवीं चीज़ होती है ना, वो स्टूडेंट हमेशा देखता है कि वहाँ की स्टडी कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, यंग टीचर है नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो न्यू जनरेशन के लिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमेशा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ पे टीचिंग स्टाफ बिल्कुल यंग हो, 1985 के या 1990 के जो पढ़ा रहे हैं वहीं अब तक पढ़ा रहे हो तो फिर बेड़ा गर्क ही हो सकता है, ये आपको बता दें। चलो नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, मैं किसी टीचर की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक लेट भी सपोज कि आप आई टी करना चाहते हैं या सी एस करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विद इन 5 ईयर 4 ईयर्स कितना एक चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर यंग टीचर्स का होना, यंग टीचर्स का पढ़ाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यार चलो, ये बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और आखिर में एक और चीज़ भी है, मैं वो है फीस स्ट्रक्चर। एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज बहुत ही एक मामूली सा फीस स्ट्रक्चर है यार। मैं आपके सामने फीस स्ट्रक्चर शो करूंगा ना तो आप यकीन नहीं करेंगे ये किसी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी का एक फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का तारुफ मुहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, नेरिया शरीफ के अंदर मौजूद है और साथ ही नीचे शहर के अंदर इसी के नाम से हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको यूनिवर्सिटी के लिए गाइड कर रहा हूँ तो इसी हिसाब से लेके चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एडमिशन का मैंने पूरा पोर्शन ये आप देख सकते हैं, मेरे सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि एम फिल के लिए, पीएचडी के लिए, बीएससीएस के जितने भी हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन्स जारी हैं और लास्ट डेट 30 सितंबर तक लास्ट डेट है इसकी। तो बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया मत करें, कीमती वक्त ज़ाया मत करें, अप्लाई कर दें, आपकी किस्मत यहाँ पे एडमिशन, इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो, दुआ भी कर लूँगा आप लोगों के लिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरा इनका पोर्शन जो ना वो मैंने लिख दिया, अपने डायरेक्ट ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या करना है, मैंने किसी टीचर की हेल्प से ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से ये सारी चीज़ें उठा लेनी है और एंड में आप लोगों को जरा फीस स्ट्रक्चर देख लो यार, ये सामने शो हो रहा है फीस स्ट्रक्चर देख रहे हो, 40,000 प्लस किसी का भी नहीं है, ऐसा कम फीस स्ट्रक्चर कहीं और मिलता है ना, तो देख लो यार।
कितना एक लो प्राइस के अंदर आपको एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इमेजिन इट। सीएस की बात करो, मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ इसलिए बार बार सीएस कह रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी का टॉप डिपार्टमेंट भी सीएस ही है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप अपना कीमती वक्त जाया मत करें, फ़ौरन से अप्लाई करें। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो डिस्क्रिप्शन में मुझसे क्वेश्चन करें, आपको उसके जवाब मैं प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत 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 पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती हो तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि मेरी जो डिफरेंट वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।